दोस्तों, गांधारी ने 100 पुत्रों को एक साथ कैसे जन्म दिया? ये एक महाभारत का रहस्य है। आपने भी महाभारत देखी होगी या महाभारत से जुड़ी कई कहानियां सुनी होंगी। कहा जाता है कि पांडव 5 थे जो कुंती के पुत्र थे। वहीं कहा जाता है कि कौरव 100 भाई थे जो गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र थे। ये सब जानते हैं पांडव और कौरवों के बीच जो लड़ाई हुई थी उसे ही महाभारत का नाम दिया गया था। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो वाकई हैरान कर देने वाली हैं, और उसी कहानी में से एक है कौरवों के जन्म की कहानी। प्रचलित कहानियों के आधार पर एक बार गांधारी की सेवा से खुश होकर ऋषि व्यास ने गांधारी को एक वरदान दिया था। ऋषि व्यास ने ही गांधारी को 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन कहा जाता है कि गांधारी 9 महीने के बजाय 2 साल तक गर्भवती रही। इसके बाद उन्होंने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया, यानी गांधारी को एक भी संतान नहीं हुई। इसके बाद खुद ऋषि व्यास ने इस मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में विभाजित किया और अलग अलग घड़ों में रखवा दिया। 101 घड़ों में रखे गए मांस के टुकड़ों से बच्चों का विकास हुआ, और धीरे धीरे सभी उन घड़ों से जो बच्चे निकले उन्हें ही कौरव कहा गया। 101 घड़ों में से 100 तो कौरव भाई निकले, जबकि एक घड़े से दुशाला ने जन्म लिया जो 100 कौरवों की अकेली बहन थी। इस प्रकार 100 कौरवों का जन्म हुआ। बता दें कि कौरवों के जन्म की ये कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है, और बताया जाता है कि इस तरीके से कौरवों का जन्म हुआ। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्णा।